वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली। आज आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के टाइम, मैं हर बार भूल जाता हूँ देखना, 5:15 हो रहे हैं टोटल। एंड अभी झालर आलर लग रही है घर पे, अभी माँ लगा रही है झालर और मैंने भी अभी झालर लगाई है। ऊपर इस साइड पूरी झालर लग चुकी है एंड अब इस साइड झालर लगनी है। और नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि कनहल का पेड़ लगा हुआ है, उसमें भी बढ़िया तरीके से अभी झालर लगेगी पूरा। जब जलाऊंगा ना वहाँ से दिखा के, अभी पहले मैं दिखा दूँ कैसे क्या जल रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे पीछे वाला पेड़ लगा कनहल का, जिसमें व्हाइट कलर के फूल निकलते, बस वही चीज़ है। तो बस अभी बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा पूरा एक। और आज आप लोगों को जैसे पता होगी अयोध्या में आज मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर पूजा होनी है आज दिवाली की। तो अयोध्या में जहाँ श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, तो आप लोग भी अभी YouTube पे सर्च कर सकते हो यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो वहाँ पे लाइव वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। मैं देख रहा था तो बढ़िया तरीके से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस देखो एक वाली छत है, तो इस वाली में ये वाला लग चुका है एंड अभी ये बढ़िया तरीके से पूरा भी इसमें लग चुका मतलब इसमें देखो, ये देखो पूरी झालर लग चुकी है। इस साइड का पूरा डन हो गया। क्या डंडा हमने फेंक दिया टाल में, उठा ले आ रहे। ये अपना कनेर का पेड़ अभी इसमें बढ़िया तरीके से झालर देखो लग रही है। इसमें कार अपनी वो खड़ी, ट्रैक्टर अपना है बस। तो अभी देख लो नीचे जाए पूरी लग चुकी है। ओरियो अपना बढ़िया वो बेटा, ओरियो ऊपर लो कैसे देख रहा। बस इस वाले में बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा, जब जलेगी तब देखना आप लोग। फटाके डाए कुछ लेके आए नहीं है, तो ये आतिशबाजी फटाके डाके सब लेके आएंगे। तो मैंने कल आपको जैसे बताया था कल वाले ब्लॉग में कि उरई में सबसे बड़ी कहाँ पे फटाके की दुकान लगी हुई है, बहुत सारी लगी हुई है, तो वहाँ पे अभी चलेंगे और वहाँ पे फटाके लेके भी आएंगे। तो व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं एंड वहीं पे फिर बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे पूरा बढ़िया व्लॉग बड़ा बनाना। एंड अभी नेपाली लोग भी आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पुराने वाले व्लॉग में कल के, तो अभी नेपाली वाले लोगों के साथ भी व्लॉगिंग करनी है दिवाली के बाद, ठीक। और 26 तारीख को मामा कहाँ जा रहे हैं, 26 तारीख को भाई दौज के दिन, तो वाला बढ़िया पूरा मामा है कहाँ का फिर एपिसोड मिलेगा आप लोगों को सीरीज़ में, सीरीज़ वन में एपिसोड वन मामा कहाँ गए, एपिसोड टू में हम लोगों ने पहाड़ घूमा, एपिसोड थ्री जंगल वंगल किले ले सब लोगों ने, झांसी किला, रानी लक्ष्मीबाई का सब बढ़िया तरीके से जाएंगे एंड सब आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। और आप लोगों ने मामा वाला ब्लॉग बना था जो मामा किला वाला, आप लोग की तरफ से बहुत बढ़िया प्यार मिला उस वाले ब्लॉग में, तो थैंक यू गाइज उस वाले ब्लॉग के लिए। एंड सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग 200 सब्सक्राइब के बहुत नियर हैं, ठीक। अभी 115 हो चुके अपने, 200 और हो जाएं बहुत मज़ा आ जाएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जाके यार। तो गाइज देखो सनसेट हो रहा है भाई गाइज चलते हैं। नीचे चलने के बाद हम लोग वहाँ से टहल के बगल से डंडा उठाते हैं और जो पेड़ के ऊपर कनेक्ट के पेड़ के ऊपर जो लग रहा है झालर ऊपर से डल रही है, तो झालर अलर को बढ़िया तरीके से उसमें बेहतरीन और झालर अलर को डालते हैं क्योंकि वो बिखर आना अच्छे से। चलो अभी चल रहे हैं बढ़िया, ठीक। गाइस बाहर आ चुके हैं एंड बाहर उठाने का तो टाल पीछे ये है मेरे घर के, ये यहीं पे डंडा डाला हुआ है, यहाँ से डंडा उठाते हैं एंड फिर अपने कनहल के पेड़ पे यहाँ ऊपर पूरी झालर उसमें बिछाते हैं। फिर रात के टाइम का सीन देखना आप लोग, देख लो कितना लंबा जाना पड़ रहा वो डला डंडा ये वाला। चलो चलते हैं डालते हैं। गाइस हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा दूर है, इसमें भी नशैनी लगानी पड़ेगी या कुर्सी रखनी पड़ेगी। देखो मैं नशैनी पे चढ़ गया हूँ डंडा लेके, अब यहाँ पे पूरा पीछे सीन करते हैं अपन बेहतरीन तरीके से। तो गाइस देखो डंडे से करते हैं इसे। गाइस अपन लोगों ने लगा दी उसमें कनेर के पेड़ पे एंड कल अपन पिज्जा नहीं कुछ आगे एक स्टेप आगे पहुँच गए। तो गाइस अपन लोग कल ओवन लेके आए थे, तो आज अपन लोग बनाएंगे उसमें पिज्जा, खाएंगे 3-4 बनाएंगे, 6-7-5-8-10 सब बनाएंगे, सब खाएंगे, सब खिलाएंगे। सामान में देखो सामान में क्या क्या है, ये मोजरेला चीज़ फ्रीजर में रख दिया ये, ठीक है मोजरेला चीज़ ये रहा एंड और बाकी सामान ये नीचे कैप्सिकम एप्सिकम पिज्ज़ा उज़ा सॉस सब कुछ है और ये अपना मैदा रखा हुआ है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से बनाते हैं इसका बेसिस और उसके बाद सब करते हैं। ये अपना ये ओवन रखा हुआ है, तो चलो इसका सामान बनाते हैं और सबसे खाते हैं खिलाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ओवन कैसे मतलब चालू होने में कैसी आवाज है। इसमें ऐसे ऐसी आवाज करिए और ये हो गया पूरा। तो गाइस अभी अनियन काट लिए एंड टमाटो भी काट लिए, अब कैप्सिकम काटना है एंड पनीर काटने के बाद बढ़िया तरीके से इसको ओवन में बेक करेंगे। डालने हैं पिज्जा मतलब बैटर वैटर सब इसका और ये चीज भी रखी है। एक चीज और दिखाते हैं आपको, ये एक पिज्जा बन रहा है गाइज, ये रहा पिज्जा
भाई बाहर जैसा पिज्ज़ा घर पे बन ही नहीं पाता यार सही में। गाइस झालर लग चुकी हैं बेहतरीन तरीके से, कितनी मस्त लाइटनिंग कर रही हैं यार, बहुत मस्त लग रही भाई। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि झालर बेहतरीन तरीके से मस्त लाइटिंग कर रही है रात के टाइम, दोपहर के टाइम बढ़िया लगाई थी 5:15 के टाइम पे, ठीक है, और बेहतरीन मस्त लग रही है। तो गाइस छोटी दिवाली के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, और फटाके डाके अभी कुछ क्रैकर्स लिए नहीं है, कल लेने जाएंगे फटाके डाके सब, और कल बढ़िया तरीके से फिर पूजा वूजा करके फिर रात में चलाएंगे। ओके तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग को एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, हंसते रहिए और हंसाते रहिए सबको, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय गाइस।